हेलो फ्रेंड्स, हमने हिंदी में पार्ट दो उसमें न्याय मंत्री तो उसमें हमने दो पद में देखा, यानी पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, उसमें हमने समझौती देखी पार्ट की। तो आज हम स्वाध्याय के प्रश्नोत्तरी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न यह है कि एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो क्या है पहला प्रश्न, देखते हैं। शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? तो हम सब जानते ही हैं कि शुरुआत में ही था पाठ के कि शिशुपाल ने दरवाजा खोला। एक कौन आया था? एक अतिथि उनके घर आया था और उसने दरवाजा खटखटाया था। तो क्यों खोला? तो एक अतिथि अंधेरे में वो रात गुजारना चाहता था, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोला। यानी रात गुजारा करना था, वहां पे आश्रय लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोला। फिर दूसरा है, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तो शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं, और वो उनको दिखाना था, वो तलाश में था। तो फिर आगे, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? न्याय के विषय में शिशुपाल के विचार थे कि कोई अन्याय और अपराध करे, उसे वो उसका वो सहज न कर सके और वो उसको कह सके कि यह अन्याय है, वो उसके सोच में थे। यानी वो शिशुपाल के ये उसके बारे में विचार थे। फिर आगे है, परदेशी कौन था? तो परदेशी कौन था? सम्राट अशोक। उसने दूसरे दिन क्या किया? तो दूसरे दिन क्या किया कि सुबह उठकर शिशुपाल को धन्यवाद किया, यानी आभार व्यक्त कर आगे, यानी उसको उससे विदा ली। फिर आगे है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राज मुद्रा क्यों दी? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राज मुद्रा इसलिए दी कि न्याय मंत्री के पद पर रहने के लिए, यानी राज मुद्रा क्यों दी कि न्याय मंत्री के पद पर उनको रखने के लिए, रखना चाहते थे, इसलिए उनको राज मुद्रा दी। फिर आगे, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियाँ कैसे बदल गई? यानी राज्य में न्याय के विषय में परिस्थिति कैसे बदल गई? तो जो न्याय मंत्री था शिशुपाल, वो आया था तो जब सब जगह पे शांत वातावरण हो गया, यानी शांति छा गई और किसी को किसी बात का कुछ डर हो रहा नहीं था, यानी किसी को किसी बात से भय न रहा था। ये ऐसी परिस्थितियाँ न्याय मंत्री के आने से हो गई। फिर आगे, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? यानी पहरेदार की हत्या होने पर उनको तो मालूम ही था, फिर देख लिया कैसी हो गई उनकी हत्या, शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई थी। अपराधी का पता लगाने में उन्होंने दिन रात एक कर दिए थे, यानी अपराधी का पता लगाने में उन्होंने खाना भी छोड़ दिया था और कई मेहनत की थी। फिर आगे, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने उसको गिरफ्तार करवाने का निर्णय लिया। तो क्या आएगा, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट को, यानी जिसने अपराध किया था, सम्राट अशोक ने ही किया था, तो सम्राट अशोक को गिरफ्तार करवाने का निर्णय लिया। तो ये थे 8 प्रश्नों, एक एक वाक्य में लिखना है वो आप लिख लेना। फिर सेकंड है, विस्तार से उत्तर दीजिए, यानी विस्तार से उत्तर देना है। बड़े लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, वो अपने आप से आपको लिखना है। 5 है, वो आप अपने आप से लिख देना। फिर आगे है, निम्नलिखित विधान कौन कहता है? यानी एग्जाम में ये आता है कि यह वाक्य कौन बोलता है और किसे कहता है, तो इसमें है कौन कहता है और क्यों। तो क्यों वो न लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन कौन कहता है वो तो लिखना ही पड़ेगा। तो हम देखते हैं, पहला जो वाक्य है वो, यह मेरा सौभाग्य है, यह कौन बोलता है?
शिशुपाल। तो यह वाक्य शिशुपाल बोलते हैं। फिर आगे, दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। देखो, दोष निकालना सुगम है यानी सरल है, लेकिन क्या उसे करना कठिन है, यह कौन बोलता है? सम्राट अशोक, जो परदेशी था वो। फिर आगे, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, यह कौन बोल रहा है? शिशुपाल। तो यह वाक्य शिशुपाल बोल रहा है। तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? देखो, ये भी वाक्य कौन बोलते हैं? सम्राट अशोक को बोलते हैं ना शिशुपाल। तो ये वाक्य शिशुपाल बोल रहे हैं। फिर आगे, महाराज यह राज मुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। यह वाक्य भी शिशुपाल ही बोल रहे हैं। तो यह वाक्य शिशुपाल बोलते हैं। तो ये था पांच विधान जो हमने देखा कि कौन बोलता है। तो सब में ही मोस्ट ऑफ शिशुपाल ही आते हैं, खाली दूसरा वाला है उसमें ही अशोक आएंगे। फिर आगे का प्रश्न, विरोधी शब्द दीजिए। विरोधी यानी ऑपोजिट, ऑपोजिट वर्ड्स। तो परदेशी दिया है, तो परदेशी का ऑपोजिट क्या होगा? स्वदेशी। फिर आदर, तो अनआदर यानी अनादर। फिर अपराधी, तो निरपराधी। सुप्रबंध, तो स की जगह पे क्या आएगा? कु, तो कुप्रबंध। फिर गिरफ्तार, तो गिरफ्तार यानी पकड़ लेना। तो छोड़ना, छोड़ना को क्या बोलते हैं? रिहा। और छोड़ना भी आप लिख सकते हो। फिर स्वीकार, तो स्वीकार का क्या आएगा? अस्वीकार। फिर आगे है समानार्थी शब्द दीजिए। समानार्थी मीनिंग वर्ड्स। अतिथि, तो मेहमान। सुगम, तो सरल। कठिन, मुश्किल। हैरान, आश्चर्य चकित। निस्तब्धता, तो शांति। निरुत्तर, तो खामोश, जवाब देना नहीं वो। फिर आगे का प्रश्न है, सोचकर बताइए, वो आपको करना नहीं है। फिर सातवां भी है, वो आपको करना नहीं है। तो आगे है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 1, 2, 5 क्वेश्चन जो दिए हैं वो आपको लिखने हैं। और जो मैंने मीनिंग वर्ड्स यानी शब्दार्थ जो वर्ड पर लिखे थे वो आपको लिखना है, और पाठ्य पुस्तक में बुक्स में भी दिए हैं वो भी आपको लिखना है। थैंक यू। और लिखकर मुझे बता देना।